अच्छा सुनो, कल रात को मेरे पति नाइट शिफ्ट के लिए जल्दी निकल जाएंगे, तो कल रात को जल्दी आ जाना। और हाँ सुनो, आज रात मेरे पति घर पर ही हैं, तो आज रात जैसे तैसे करके काट लेना, कल से मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। काजल, किससे बात कर रही हो इतनी देर से? किसी से नहीं, वो प्रेस वाला था। वैसे आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार, मेरे बॉस का कॉल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आप तो आज नहीं जाने वाले थे। अरे तुमको पता है ना, कभी कहता आना है कभी कहता नहीं आना है। अभी जस्ट मेरे पास कॉल आया कि ऑफिस आ जाओ फटाफट। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से जाइए। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। करती हूँ, उसको बुला ही लेती हूँ। हेलो, एक काम करो, तुम घर पर आ जाओ। वो क्या है ना, मेरे पति ऑफिस चले गए हैं। ठीक, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने पति को भी तो देखना है ना, और मेरे पति को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम सही कह रही हो, ये गरीबी और बदनसीबी कभी हमको मिला ही नहीं सकती, और ये रिश्ता कभी दोबारा जुड़ भी नहीं पाएगा। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुमको मेरे डिसीजन पर भरोसा ही नहीं था, और आज भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। तुम सही कह रही हो। इस वक्त कौन आ गया? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? तुम एक काम करो, जल्दी से जाके बाथरूम में छुप जाओ, मैं देखती हूँ। सम्राट, तुम? हाँ मैं। पर तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, वो तुम ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी, अचानक बारिश होने लगी, ट्रैफिक में सब फंस गए, तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी बॉस को। अच्छा, ऐसे कैसे मीटिंग कैंसिल कर दी उन्होंने? अरे सारी बातें यही बता दूं कि अंदर भी आने दोगी? अच्छा एक काम करते ना, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एक काम करते बाहर चलते हैं। अरे पागल हो क्या तुम, बाहर कितनी बारिश हो रही है, हम सब भीग जाएंगे, वैसे भी मेरे जूते गीले हो गए, इनको धुलना भी है वॉशरूम में। चलो हटो, अभी मुझे धुलना है, हटो। नहीं नहीं, तुम वॉशरूम नहीं जा सकते, बारिश आ रही है ना बाहर, एक काम करते हैं हम टेरेस पे चलते हैं, और ऊपर टूटी भी है तो वहां पर तुम अपने जूते धो लेना, चले। अरे तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ तुमसे क्यों छुपाऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। मुझे लगता है वॉशरूम में तुमने कुछ छुपा रखा है, इसीलिए तुम मुझे अंदर नहीं जाने देती हो। मैं भी देखूं जरा क्या छुपा रखा है तुमने, हटो मेरे सामने से। सम्राट, सम्राट मेरी बात तो सुनो। अरे भैया तुमने अपने भाई को बाथरूम में क्यों बंद कर रखा है, यहाँ क्या कर रही है? वो बात ये है कि कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, और मैंने वहां देखा ये रास्ते पर भीख मांग रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसके पास चली गई, और इसने मुझे बताया कि इसने अपने सारे पैसे जुए में लगाए थे। आपको तो पता है इसको जुए की कितनी गंदी आदत है बचपन से, और मैं इसको कितना रोकती थी पर ये फिर भी नहीं मानता था मेरी बात। और फिर इसने बताया कि इसने पापा की सारी प्रॉपर्टी, मम्मी का सारा सोना, सारे पैसे सब जुए में लगा दिए, और ये सारे पैसे, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ जुए में हार गया, ये रोड पर आ गया। बस इसी सदमे में पापा को भी हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया,
इसको ऐसे देखकर, इसलिए मैं आपको बिना बताए इसकी मदद करती रही, इसको छुपके छुपके खाना खिलाती रही। कुछ पैसों की ज़रूरत होती थी तो आपके पर्स से पैसे निकालकर इसको दे दिया करती थी। देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं और क्या करती, आखिर हूँ तो इसकी बहन ही ना। और पापा को मैंने यही वचन दिया था कि मैं हमेशा इसके सुख दुख हर चीज़ में इसके साथ खड़ी रहूँगी, बस उसी को निभाने के लिए मैं ये सब करती रही। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे इतना कुछ छुपाया। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझसे क्यों छुपाया, मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, आपको तो पता है ना, जब मैं और आप शादी करने वाले थे तब मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मेरा भाई, सब हमारे अगेंस्ट थे। और उसके बाद इसने आपको जान से मारने की कोशिश भी की थी, और उस वक्त इसने आपको मारने की भी कोशिश की थी। तब आपने मुझे बोला था कि या तो अपने परिवार को चुन या फिर आपको, और उस वक्त मैंने परिवार को ना चुन के आपको चुना था और आपसे शादी की थी। इसलिए बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको ये सब बता सकूं, और बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया इन सब के बारे में। मुझे लगा अगर मैं आपको बता दूंगी ये बात तो फिर आप मुझे रोकोगे कि मैं इसकी मदद क्यों कर रही हूँ, और इसके पास कोई और सहारा नहीं था मेरे अलावा, बस इसीलिए आपको नहीं बताया। अरे काजल, तुम पागल हो गई हो क्या? माना कि उस टाइम पे इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज इसके ऊपर मुसीबत आई है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी अपने परिवार का हिस्सा है ये, और मैं अपने परिवार के हर सुख और दुख में खड़ा रहूंगा, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। मुझको माफ कर दो जीजा जी, अनजाने में मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, और मैं आपसे उन गलतियों की माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आज से तुमको चुप चुप के अपनी बहन से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रह सकते हो मेरे घर पे।